हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली के JNU और जिस समय कुछ छात्रों ने भारत विरोधी नारे लगाए तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ देकर देश के लिए हमी मानसिकता उजागर कर दी। शुक्रवार को गगरेट के मवा कोयला और स्मृति ने कहा कि पिछली UPA सरकार और वित्त मंत्री रहे भी चिदंबरम ने तो कश्मीर की आजादी की ही बात कर कांग्रेस का देश प्रेम सबके सामने उजागर कर दिया। जिस समय कांग्रेस के केंद्रीय नेता इस तरह के बयान दे रहे थे तो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया वीरभद्र सिंह ने क्यों चुप्पी साध ली थी। मोदी सरकार के आरोपी मुद्दे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल के लगभग 1 लाख पूर्व सैनिक की इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, यह मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। शुक्रवार को गगरेट के मवा कोयला और स्मृति ने कहा कि पिछली UPA सरकार और वित्त मंत्री रहे भी चिदंबरम ने तो कश्मीर की आजादी की ही बात कर कांग्रेस का देश प्रेम सबके सामने उजागर कर दिया। जिस समय कांग्रेस के केंद्रीय नेता इस तरह के बयान दे रहे थे तो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया वीरभद्र सिंह ने क्यों चुप्पी साध ली थी। मोदी सरकार के आरोपी मुद्दे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल के लगभग 1 लाख पूर्व सैनिक की इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, यह मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। केंद्र की सरकार ने हिमाचल की लगभग 4560 किलोमीटर सड़क को देशीय उच्च मार्ग बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश और भाजपा का कुछल खिलने के बाद यह कार्य भी पानी भी शुरू हो जाएगा। हिमाचल और रेल ऊना से आगे नहीं बढ़ रही थी। भाजपा सरकार ने ऊना और रेल की पटरी आगे बिछा कर रेल को गति देने का कार्य किया है। ईरानी ने कांग्रेस को घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि प्रदेश और सुशासन लाने के लिए भाजपा की सरकार बनाओ। चुटकी लेते हुए कहा उन्होंने कि लक्ष्मी कभी हाथ पर सवार होकर नहीं आती, लक्ष्मी के लिए प्रदेश और कुछल खिलाना होगा। जनसभा और पंजाब के पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद, भाजपा प्रत्याशी राजेश ठाकुर, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सुशील कालिया सहित अन्य मौजूद रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।